हेलो, मैं स्वाति। आप सभी का स्वागत है लव एंड केयर योर सेल्फ चैनल में। मैं बात करने वाली हूँ सेंसिटिव स्किन पे कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। ये सेंसिटिव स्किन नहीं, ऑल टाइप स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक्ने यूवी जेल की, जो कि SPF 30 एंड SPF 50++++ में आता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है जो कि हर सनस्क्रीन में होना बहुत जरूरी है। हमें ये UVA एंड UVB दोनों रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसमें वाटर रेसिस्टेंट फॉर्मूला है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नॉन इरिटेंट है। इसको लगाने से आपकी स्किन में कोई भी इचिंग और इरिटेशन नहीं होगी। मेरा भी स्किन सेंसिटिव है, मैं इसे यूज करती हूँ और मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज करती आ रही हूँ। मेरे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ये एल्कोहल एंड डाई फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है। प्रिजर्वेटिव फ्री है, इसका मतलब ये है कि हाई रिस्क वाले जो केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें नहीं है। और कलर नहीं मिक्स किया हुआ है इसमें, कोई कलर नहीं है और पैराबीन नहीं है। पैराबीन वाला क्रीम आप अगर लगातार यूज करते हैं तो उससे स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और इसमें नॉन केमेडोजेनिक फॉर्मूला भी है जो कि हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। अगर हमारे स्किन के पोर्स ब्लॉक करता तो हमारे स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे झाइयाँ, ब्लैक हेड वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इसमें नॉन केमेडोजेनिक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, नॉन ग्रेजी है, वाइल्डलेस फॉर्मूला इसमें है। जब आप इसको लगाओगे तो बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है, क्योंकि हमारी स्किन जो है गर्मी में ऑलरेडी थोड़ी वाइली टाइप की हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको लगाने से बिल्कुल भी आपको चिपचिपापन फील नहीं होता है। अगर आपकी स्किन वाइली है तो मॉइस्चराइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। तो सिर्फ आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई टाइप की है तो पहले आप मॉइस्चराइजर यूज करें, उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं। और लगाना कैसे है, आप 1 चम्मच के बराबर क्रीम लेकर फेस और आगे पीछे नेक पूरा कवर कर सकते हो। और धूप में निकलने से आधा घंटा पहले आप इसे यूज करें। अगर आप कंटिन्यू धूप में रहते हो तो हर 2 घंटे में इसको अप्लाई करना है। और ये इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस 650 रुपीज से 700 तक में आता है, डिपेंड करता है सेलर पे। ये अमेजोन पे इजिली अवेलेबल हो जाता है। और ये 60 ग्राम में है और ये देख सकते हैं इतना बड़ा ट्यूब आता है। इसका मैं टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ कैसा है। ये देख सकते हैं इस तरह से है। सनस्क्रीन लगाने के बाद जो व्हाइट कास्ट छोड़ देता है वो चीज इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें यूज किया है तो आप दोनों का देख सकते हैं, एक अच्छा सा लुक आ जाता है लगाने के बाद। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।